एंड आई वॉज फीलिंग गुड इन अ वे कि मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड। तोता नहीं है, स्पैरो है, चिड़िया। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। दो महीने के बाद, ढाई महीने के बाद, 10th ऑफ मई को मैंने लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो ढाई महीने के बाद आज फिर से, बाकी बातें हम ब्लॉग में करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गिफ्ट अच्छा है, अच्छा है ना गिफ्ट? तोता नहीं है, स्पैरो है, चिड़िया। बिल्ली आ गया, बिल्ली को नहीं यार लगाने देना, ये खा जाएगा। अच्छा गिफ्ट है ना? इसको क्यों बंद किया था? मैंने बंद नहीं किया, ये गिर गया था, इसको मैंने घर दिया। क्या कर रहे हो तुम? मैं ये इसका नाम क्या रखा है तुमने? आओ, खुदा के फजल से मेरे बाल आ गए। लाया पानी? लाएगी। कौन लाएगी? पूरी मम्मा बोला। हाँ। तो इसको हम खोल देते हैं। खोल दो, खोल दो, खोल दें। हाँ। यहाँ से आ जाओ। ठीक है। अमेज़ॉन ने श्रीनगर में डिलीवरी स्टार्ट की है, मतलब मैंने आज ऑर्डर किया था तो ऑब्वियसली दो दिन में आ गया। Where are you going? नीचे। हाँ जाओ। पानी और? Lemon tea। Very good। काफी intelligent है ये माशाल्लाह। रे भैया खोलो। ओ भाई। बिल। ये भी मैंने ऑर्डर किया था, वैसे तो ऊपर वाला पैकेट तो बहुत गंदा होगा। हाँ, तो दो महीने के बाद वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मतलब बीच में इतना गैप क्यों हुआ। द रीज़न इज़ कि उस टाइम पे क्या था कि रमज़ान के टाइम पे मैं वीडियो बना रहा था, तो काफ़ी मोटिवेटेड था मैं, काफ़ी पॉजिटिव था मैं, और बहुत चीज़ें थी, मतलब बिल्कुल रेडी था, माइंड सेट था कि भाई मुझे वीडियोज़ बनानी है एवरी डे। अगर एवरी डे नहीं तो कम अज़ कम मतलब दो दो तीन तीन दिन में एक एक अपलोड में हो, मतलब कर ही लेता था। जितनी भी मेरी वीडियोस उस टाइम पे भी मैंने बनाई हैं तो वो सारी नाइट में है, क्योंकि उस टाइम पे रोज़े चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मतलब दिन में बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी और मुंह सूख जाता था, तो बोलने में भी अनकंफर्टेबल, और मेंटली भी इंसान भूख में रहता है और प्यास में मतलब जहन चला जाता है कि प्यास लग रही है, तो ये चीज़ होती थी उस टाइम। तो मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने सोचा कि मैं अब ईद के बाद वीडियोस बनाऊँगा, ईद के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड था, बहुत ही ज़्यादा मतलब लेज़ी हो गया कि मैंने वीडियोस बनाई ही नहीं, और साथ ही साथ बहुत खाया पिया भी ईद के टाइम पे। तो उसके बाद फिर मैंने बेसलाइन टेस्ट करवाया, तो मैंने देखा कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स आए थे, मतलब डीरेंज्ड टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा डीरेंज आया था, एंजाइम्स, लिवर एंजाइम्स वगैरह कुछ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आ गया था। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने अपना थोड़ा शेड्यूल को बदल दिया, मैंने अपने फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया, मैंने रनिंग स्टार्ट कर ली। आई ट्राइड टू रन एज मच एज पॉसिबल कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज मतलब बर्न करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जर्शन करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वर्कआउट में ध्यान दूँ, ताकि मैं थोड़ा सेट हो जाऊँ, ताकि मैं थोड़ी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेरा मेंटल वो फिटनेस भी हो जाएगी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखूँ और पॉजिटिव चीज़ें सोचूँ। ये चीज़ें इसलिए मैंने पूरा बिल्कुल मतलब सब कुछ बंद कर दिया। पहले मैं क्या करता था
कि पहले में पूरा टाइम क्या है कि सुबह उठते ही सीधे व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं तो वो चेक करो, उसके बाद सीधे इंस्टाग्राम पे देखो किसी ने क्या फ़ोटो डाले हैं, उसके बाद तुम यूट्यूब पे चले जाओ उस पे देखो कि कोई नोटिफिकेशन आई है, किसी ने अपलोड किया है तो वो वीडियो देखो, उसके साथ जो दूसरी वीडियो आती है नीचे रिकमेंडेशन में वो वीडियो देखो। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, तो मैंने फ़ोन भी बंद रखा और मेरा जो यूट्यूब का जो वॉच टाइम होता है वो भी बहुत कम हो गया था कि मैंने चेक किया कि 5 मिनट भी, मैंने बहुत दिनों तक तो मैंने 5 मिनट भी एक वीडियो भी नहीं देखी थी। तो मैंने एक्सरसाइजेस स्टार्ट किए, मैंने रनिंग स्टार्ट की, मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ अपना जो वेट मेरा, ऑब्वियसली मेरा वेट जो है बीएमआई के हिसाब से ओवरवेट है तो 10 kgs, अराउंड 7 to 10 kgs, तो वो भी मैंने कम किया। आई एम डूइंग इट एवरी सिंगल डे, मैं मेरा मतलब पूरा इरादा है कि मेरा 10 किलो से कम तो होना ही होना है। तो अभी चल रहा है प्रोसेस, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन तो हुआ है, काफ़ी हद तक चेंजेस आई हैं। बात सिर्फ फिज़िकल फिटनेस की नहीं है, एक्चुअली आपका मेंटल हेल्थ भी इसमें इन्वॉल्व होता है। जब आप बिल्कुल खाना ही खाते रहते हैं तो आप ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, तो आपका फैट लग जाता है, फिर आप ये टेंशन लेते हैं कि भैया मेरा फैट बढ़ गया, फिर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा वो सोचने लग जाता है कि मेरा शेप में नहीं हूँ, मैं शेप में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन अ गुड फॉर्म। तो ये सोचने की वजह से भी इंसान का जो मेंटल हेल्थ है वो वीक हो जाता है और बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस बात को मतलब लेके इंसान अगर ज़्यादा सोचे तो। तो मैंने इसीलिए ये डिसीजन लिया कि मैं थोड़ा ब्रेक लूँ, बेहतर है कि ब्रेक लूँ और अपनी फिज़िकल फिटनेस पर ध्यान दूँ। के टाइम पे मैं सोचता था कि न्यू आइडियाज़ होते थे एंड आई वाज फीलिंग गुड इन अ वे कि मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड। तो यही था आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मे बी अगर आप इस फेज़ से गुजर रहे हैं जिस फेज़ से मैं गुजर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप जस्ट पुट योर फ़ोन डाउन, अपना फ़ोन डाउन रख के अपना लैपटॉप साइड में करके बिल्कुल रेडी हो जाइए, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट वर्कआउट, स्टार्ट लूजिंग योर फैट, स्टार्ट लूजिंग योर जो भी एक्स्ट्रा जो पॉइजन है इनसाइड योर बॉडी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यू कैन सी कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ, एटलीस्ट 2 लीटर तो पी ही लेता हूँ, 2 से 2.5 तक के बीच में पी लेता हूँ। तो इट मेक्स यू फील बेटर, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स योर सेल्फ, टूवर्ड्स योर प्रोडक्टिविटी, टूवर्ड्स द सोसाइटी। अगर आप बहुत ही बड़े लेवल पे हैं या किसी बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे, तो आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो इसलिए मतलब फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल फिटनेस होने के बाद आपका मेंटल फिटनेस भी बहुत अच्छा हो जाता है। और तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट वीक, सलाम अलैकुम। मौका है, आई शुड रिवील, मतलब मेरे फ्रेंड अभिषेक ने मुझे घड़ी दी थी और ये घड़ी जिसका चार्जर उसी के पास है और घड़ी मेरे पास है और इसका मैंने चार्जर और स्ट्रैप खरीद लिया क्योंकि इसका स्ट्रैप भी टूट गया। तो ये दो चीज़ें हैं, लेट मी सी कि कैसा होता है ये, मगर ओरिजिनल होता है। मैंने वैसे महंगा ही मंगवाया था, आई थॉट कि ये थोड़ा क्वालिटी अच्छी होगी। आपको भी दिखा देते हैं कि चलेगा कि नहीं, आई होप कि दिख रहा हो। बिस्मिल्लाह, ओ भाई, चलो हो गया, इसका काम भी हो गया।